एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप फिजिक्स। मेरा नाम है कपिल गोयल और आज के लेक्चर में हम डिस्कशन करने वाले हैं बीएससी सेकंड ईयर फिजिक्स का एक और टॉपिक जिसका नाम है रिवर्स बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन। इसके पहले हम फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो जिन लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा है मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, उस लिंक को फॉलो कर आप वो लेक्चर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले अगर मैं एक पीएन जंक्शन की बात करूं तो जैसा कि इस डायग्राम में आपको दिखाया गया है, यहां पर एक पीएन जंक्शन डायोड है और ये बीच में जो है ये इसको हम क्या कहते हैं, जंक्शन कहते हैं। दूसरी चीज़ हमें ये पता होता है कि जंक्शन के दोनों ओर जो ये लेयर बन जाती है, इस लेयर को हम क्या नाम देते हैं, डिप्लेशन लेयर। और इस डिप्लेशन लेयर के अंदर एक पोटेंशियल डेवलप हो जाता है जो कि करंट को फ्लो करने से रोकता है, उसको हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल बैरियर कहते हैं या बैरियर पोटेंशियल कहते हैं। इस बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू हर तरह के जो सेमीकंडक्टर है उसके लिए अलग अलग होती है। जैसे कि अगर मैं सिलिकॉन का सेमीकंडक्टर की बात कर रहा हूँ तो उसके लिए उसकी वैल्यू अलग होगी। इसी तरह से यदि मैं बात कर रहा हूँ जर्मेनियम के सेमीकंडक्टर के लिए तो उसके लिए इसकी वैल्यू अलग होगी। फिलहाल तो जब हम बात करते हैं रिवर्स बायसिंग की, तो रिवर्स बायसिंग के केस में हम क्या करते हैं कि जो एक्सटर्नल जो डीसी सप्लाई देते हैं हम इसको, एक्सटर्नल जो बैटरी लगाते हैं जैसे कि यहाँ पर ये लगाई हुई है, तो एक्सटर्नल बैटरी इस प्रकार लगाई जाती है कि जो एक्सटर्नल बैटरी की वजह से अप्लाइड वोल्टेज है, ये बैटरी लगी है तो ये वोल्टेज अप्लाई करेगी, तो ये वोल्टेज की जो डायरेक्शन है और जो डिप्लेशन लेयर के अंदर जो वोल्टेज है उन दोनों की डायरेक्शन एक ही हो जाती है, दोनों की डायरेक्शन एक ही हो जाती है। इससे क्या मतलब है, दोनों सेम डायरेक्शन में आने की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, यानी कि अगर मैं यहाँ पर इस बैटरी के ऊपर बात करूँ तो इसमें जो पोटेंशियल है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन ये होगी, और यहाँ पर भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी। तो ये तो है बैरियर पोटेंशियल का और ये है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी डायरेक्शन क्या हो गई, दोनों सेम डायरेक्शन में हो गई, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, ऐड हो गया। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो बढ़ गई। तो ये जो पोटेंशियल बैरियर है इसकी जो विड्थ है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। ये जो डिप्लेशन लेयर है, इस डिप्लेशन लेयर की विड्थ बढ़ जाती है। जैसे कि पहले यहाँ इतनी थी, अब ये विड्थ कितनी हो गई, इतनी हो गई। तो ऐसा होने से रेजिस्टेंस हाई हो जाता है तो उसकी वजह से करंट का फ्लो नहीं हो पाता। ठीक है, तो उसी चीज़ को मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है जिसको आप अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे कि जब जंक्शन पर एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज इस तरह से लगाई जाती है कि डिप्लेशन लेयर पर पोटेंशियल बैरियर बढ़ने लग जाती है, तो ऐसी बायसिंग को हम रिवर्स बायसिंग कहते हैं। ठीक है, दूसरा, रिवर्स बायसिंग में बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को, बैटरी का ये नेगेटिव टर्मिनल है, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को पी टाइप सेमीकंडक्टर से, ये सेमीकंडक्टर कौन सा है, पी टाइप, और ये कौन सा है, नेगेटिव टर्मिनल। तो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को पी टाइप सेमीकंडक्टर से और पॉजिटिव टर्मिनल, ये कौन सा टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल को एन टाइप सेमीकंडक्टर से कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, रिवर्स बायसिंग में बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को पी टाइप सेमीकंडक्टर से और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को कौन से सेमीकंडक्टर से, एन टाइप सेमीकंडक्टर से कनेक्ट किया जाता है। उसके बाद यहाँ ये क्लियर दिख रहा है हमें कि जो अप्लाइड रिवर्स वोल्टेज है, यानी कि इसकी डायरेक्शन ये है, ये हम बात कर चुके हैं प्लस से माइनस की तरफ, और यहाँ पर भी जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, ये होती है। तो यहाँ पे हमें क्लियर दिख रहा है कि जो अप्लाइड रिवर्स वोल्टेज है कि उसकी डायरेक्शन बैरियर पोटेंशियल की डायरेक्शन में ही होती है, दोनों की डायरेक्शन सेम होती है। इस कारण से डिप्लेशन लेयर पर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो ओवरऑल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, बढ़ जाती है, जिससे बैरियर पोटेंशियल की हाइट बढ़ जाती है। हाइट बढ़ने का मतलब है इसकी विड्थ अब क्या हो गई, बढ़ गई। इसकी विड्थ बढ़ गई, इसका मतलब जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, बढ़ेगा। रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो वो करंट का फ्लो नहीं होने देगा, है ना। रेजिस्टेंस ये अब इतना हो गया, अब ये रेजिस्टेंस बढ़ गया तो ये करंट के फ्लो को नहीं होने देगा। इसलिए एक हाई रेजिस्टेंस पाथ बन जाता है जिसके कारण सर्किट से करंट का फ्लो नहीं होता। ठीक है, और ऐसा जो सर्किट है उसको हम क्या नाम देते हैं, रिवर्स बायस्ड सर्किट। अब इसके कुछ मेन पॉइंट्स देख लेते हैं। रिवर्स बायसिंग सर्किट में मेन पॉइंट्स निम्न प्रकार होते हैं। पहला पॉइंट क्या होता है, पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। दूसरी बात, जंक्शन पर रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत बढ़ जाती है, जो कि हम बात कर चुके हैं, और इस रेजिस्टेंस को रिवर्स रेजिस्टेंस कहते हैं। ये आप लोगों के लिए एक नया पॉइंट हो सकता है कि रिवर्स बायसिंग में जो जंक्शन पर रेजिस्टेंस होता है उसे क्या कहते हैं, रिवर्स रेजिस्टेंस कहते हैं। इस हाई रेजिस्टेंस के कारण सर्किट से करंट का फ्लो नहीं होता। थ्योरेटिकली हम ये मान के चलते हैं कि
रिवर्स बायसिंग में करंट का फ्लो नहीं होता, परंतु प्रैक्टिकली एक बहुत स्मॉल अमाउंट की करंट, म्यू एम्पियर्स वाली करंट सर्किट से फ्लो होती है, जिसे हम बाद में देखेंगे। तो अभी के लिए फिलहाल हमने जो बात करी कि रिवर्स बायसिंग बेसिकली क्या होती है, तो वो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और इसके पहले हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं फॉरवर्ड बायसिंग की, तो जो लोग कंटिन्यूअसली ये लेक्चर्स देख रहे हैं तो उन्हें बहुत अच्छे से अब ये चीज़ें अपनी क्लियर होने लग गई होंगी। यदि आप इस लेक्चर को देख रहे हैं और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जूनियर्स के साथ, सीनियर्स के साथ लेक्चर को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नए लेक्चर में। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।